समोसे वगैरह ये देखो भाई, समोसे ठंडे ना हो जाए तो साइड में रखते अभी, उसके बाद खाते हैं। इसे कहते हैं ये देखो, अब मैं पास से दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई कितने बड़े। वेलकम दोस्तों माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मॉडल टाउन, चलो चलते हैं अपना काम निपटाना, चलो चलते हैं। और बहुत मजेदार, और भाई बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम भी है, और थोड़ा मौसम वैसा भी है, समझ ही नहीं आ रहा, धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, क्या ही चल रहा है भाई, ये गुड़ गोबर क्या चल रहा है, गोबर 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 होता जा रहा है। चलो दोस्तों चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं और मस्ती मारते चलते हैं। बेसिकली हमने भाई खूब रेस लगाई, खूब इंजॉय किया, लेकिन भाई उसके बाद आने के बाद किसी इंपॉर्टेंट काम से यार मैं बाहर चला गया था, बाहर कोई अमेरिका नहीं चला गया था भाई, राजेंद्र नगर वगैरह चला गया था किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम था। तो भाई रात को आए, आने के बाद मैं आराम से सो गया, चित्त करके फ्री होके एकदम बल्ले बल्ले सो गया भाई, और रात को आराम से उठे हैं रात के बादशाहों की तरह। तो भाई अभी हम जा रहे हैं कहाँ, अभी हम जा रहे हैं, सच बताऊँ तो झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैं जा रहा हूँ बेसिकली मोती बाग के आसपास, कारण के भाई वहाँ पे समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो भाई रात को निकले हैं अब समोसे खाने, तो चलो दोस्तों चलते हैं समोसे। और रात को देखो भाई बिल्कुल खाली, एकदम खाली, कुत्ता भी नहीं भोंक रहा भाई यहाँ पे। तो दोस्तों चलो पहले हेलमेट पहन लेते हैं, वरना हमारी बैंड बजा देंगे सामने लगे खड़े हुए ट्रैफिक वाले, ओ मतलब पुलिस वाले। तो भाई बेसिकली अभी खड़े हुए थे पुलिस वाले, तो पूछ रहे थे भाई कहाँ जा रहे हो, रोक ही लिया, कहते कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भाई समोसे खाने जा रहा हूँ, तो हंसने लगे, कहते रात का टाइम, ये कौन सा टाइम है, मैंने कहा भाई हमें भूख ही रात को लगती है, तो हम रात को ही निकलेंगे ना भाई, तो कहता ठीक है भाई जा जा, कुछ बोला नहीं बेचारा, हंसने लग गया। तो भाई निकल दिए भाई, अब पहुँच गए एम्स, और भाई कल अभी हम परौंठे वरौंठे खा के आए थे, कितना मज़ा आ रहा था। और ये पीछे देखो मुझे देख रहा है ऐसे, पता नहीं क्या हो गया, हाँ दिक्कत है कोई क्या भाई, पीछे भी देखना पड़ता है, पता लगे साथ ही ले जाए, तार जलने की बदबू आ रही है भाई यहाँ पे, कहीं ना कहीं आग लगने वाली है। तो भाई चलो अपना लिपटेंगे भाई, यहाँ तो बहुत मज़ेदार है, आज मौसम बहुत तगड़ा है क्योंकि दिन में बहुत बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद ठंडा मौसम है, तो चिल्ड मौसम, और कितना मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई मैं एम्स के बाहर से जा रहा हूँ, तो भाई ये देखो अभी ये सुबह किस चीज़ के लिए इनका पेशेंट अंदर होगा, तो भाई ये बाहर बैठे हैं भाई, कितने दुख की बात है, ये बेचारे पटरियों पर, ये देखो भाई पटरियों पर बेचारे बैठे हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, मतलब बेसिकली यार कितनी दरिंदगी है, मैं ये कहूँगा कि भाई किसी तरीके से कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पब्लिक के लिए, ये देखो कितना क्या हाल बना रखा है, पब्लिक कहाँ सो रही है, मतलब यार शर्म वरम आती नहीं गवर्नमेंट को, मुझे नहीं लगता नहीं आती भाई। इसे कहते हैं ट्रक, ये देखो भाई क्या लोड करके ले जा रहा है, छोटा ट्रक बाप को ले जा रहा है अपने, देखो देखो देख रहे हो, तो भाई असली टोचन इसे कहते हैं, ये देखो अब मैं पास से दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई कितने बड़े ट्रक को, भाई विशाल ट्रक है, इसको टोच कर ले जा रहा है भाई, सच में हिम्मत कहूँगा भाई, बहुत बड़ा ट्रक है भाई, कि देख रहे हो फुल टोइंग चल रही है जबरदस्त तरीके से, भाई देख रहे हो कितने गजब तरीके से भाई टो करके ले जा रहा है भाई, कितना बड़ा ट्रक है भाई, ख़राब हो गया बेचारे का, लेकिन बंदा भाई कितने तगड़े तरीके से टो कर रहा है, मज़ेदार चीज़ है भाई, वाकई में हिम्मत है छोटे से ट्रक की, कितना बड़ी गाड़ी को टो करके ले जा रहा है भाई, कमाल हो गए। तो भाई लोग हमें बेसिकली मोती बाग वाले समोसे तो नहीं मिले, वो ख़त्म हो गए, तो दोस्तों एक जगह और है टैगोर गार्डन के पास, जो तिलकनगर के पास पड़ता है, अब हम पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन टैगोर गार्डन, तो भाई यहाँ से सीधा चलते हैं, अब तिलकनगर थोड़ा सा आगे से और है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे बहुत तगड़े समोसे मिलते हैं, तो दोस्तों चलो वहाँ चलते हैं। क्रेविंग देख रहे हो मुझे कहाँ से कहाँ ले आई भाई, सच में बहुत धक्के खाली, कुछ ज़्यादा ही हो गया, रात के 3 बज चुके हैं, तो भाई फटाफट चलते हैं, फिर वापसी भी इतनी दूर ही जाना है जितनी दूर मैं आ चुका हूँ। चलो दोस्तों अभी आप यहाँ के समोसे देखते हैं कैसे हैं, चलो बचा के भाई, यहाँ पागल भी बहुत सारे हैं लोग, हमने ले लिए यहाँ पे समोसे वगैरह, ये देखो भाई समोसे ठंडे ना हो जाए तो साइड में रखते अभी, उसके बाद खाते हैं दोस्तों यहाँ से। तो भाई लोग बेसिकली यहाँ पे समोसे हमें बड़ी चोरी से दिए गए हैं, कारण कि भाई 15 अगस्त के कारण पुलिस वालों ने बिल्कुल ही लगने नहीं दे रहे, हम चोरी से साइड से जाके चुपचाप समोसे लिए,
तो भाई ये भाई लोग आप समोसे हमने अभी था स्कूटर पे लटका लिए, अब इसको रख दिया डिक्की के अंदर। तो दोस्तों सही जगह पे चलते हैं, वहाँ जाके आराम से खाते हैं या घर जाके या सही जगह पे, अगर सही जगह मिल गई रास्ते में तो खाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन 3:15 हो चुके हैं। ऐसे बहुत चीज होते हैं कोहली की तरह फटाफट। तो भाई लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन ये जगह तो मुझे नहीं लगती कि यहाँ पे भाई खाने का हिसाब किताब है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो जितनी सुनसान जगह है ये देख रहे हो, ये बस्ती अंदर ही अंदर बना रखी है, ये खूंखार सुनसान जगह भाई। पता लगे लेने के देने पड़ गए, एक समोसा खाने के चक्कर में स्कूटर गवाना पड़ गया, पैसे कमाने पड़ गए, मोबाइल घुमाना पड़ गया, कैमरा गोप्रो मेरा गवाना पड़ गया। तो उससे बेहतर है भाई लोग हम कहीं खुली जगह पे आई डिसाइडेड कि भाई घर जाके खाते हैं, अभी घर ही चलते हैं आज सीधा, वरना भाई सही बताओ वरना बैंड बच जाएगी, ऐसे की तैसी हो जाएगी। चलो चलते हैं सीधा यहाँ से भाई लोग, घर निकलते हैं। भाई लोग बेसिकली अब हम अपने घर के पास पहुंच गए, भाई सही बताऊँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हमने वैसे देखा जाए तो। चलो भाई लोग यहाँ सही बताओ हिम्मत टूट गई, अब जाके मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ठोक देना यार, ठीक है भाई लोग, कड़ी मेहनत होगी आज। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे भाई, टाटा भाई, गुड नाइट। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।